यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहाँ तक इस तरह आ गया क्या? I didn't have any intention at all to hurt or disrespect any person, including the Honorable Vice Chairman. संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फ़ोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। राहुल गांधी शर्म करो, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबको ना, और डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी उनके नेता है, उसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा। हम ही अपमानित करेंगे तो फिर हम दुनिया से भाजपा से क्या अपेक्षा रहेंगे? और हमारे उपराष्ट्रपति जी का जो उन्होंने मजाक उड़ाया, उस मजाक को उड़ाते वक्त उस मजाक को एंजॉय करने वाले श्री राहुल गांधी जी जो वीडियो कर रहे थे, उन दोनों ने माफी मांगी। कोई इतना गंभीर विषय भी नहीं कि इसको अपन कोई हाईलाइट करके उस तरह किया जाए। इस तरह सांसदों को निलंबित करके, उनको बेइज्जत करके बाहर निकाल कर, उनको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ममता बनर्जी के एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो ना बनाते तो, आप लोगों को पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो ना बनाते तो। मतलब कल्याण बनर्जी ने मजाक उड़ाया, राहुल जी ने उसे फैलाया, एम्पलीफाई किया। ये ममता बनर्जी कह रही है, हम नहीं कह रहे। आपने सुना ममता बनर्जी को, इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या संसद परिसर में आयोजित कॉमेडी कांड के डायरेक्टर राहुल गांधी जी थे क्या? मतलब ममता बनर्जी जो कह रही है उसके हिसाब से सवाल उठा है। कॉमेडी कांड पर इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी का बयान सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर राहुल गांधी ने देश के उपराष्ट्रपति की नकल उतारते टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का वीडियो नहीं बनाया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। हुआ ये कि पत्रकारों ने आज ममता बनर्जी से उपराष्ट्रपति के अपमान पर सवाल पूछे कि भाई आपके सांसद हैं कल्याण जी, उन्होंने ऐसा क्यों मजाक उड़ाया? ममता बनर्जी राहुल गांधी को बीच में घसीट लाई, उनको क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी से, हमें नहीं पता। मतलब पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी का बचाव करते हुए कहा कि ये सब तो कैजुअली हो रहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी उस समय अपना मोबाइल फोन नहीं निकालते, आप ध्यान दीजिएगा पत्रकारों ने राहुल गांधी का जिक्र वो सब नहीं किया, राहुल गांधी का नाम खुद ममता बनर्जी ने लिया और इस पूरे विवाद में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को घसीट लिया कि वो वीडियो नहीं बनाते तो आप लोगों को पता नहीं लगता। मतलब वीडियो नहीं बनाते तो किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलता, जैसे ममता बनर्जी राहुल गांधी को विलन बता रही हैं इस पूरे वीडियो कांड का, कि वीडियो कांड के विलन तो राहुल गांधी है, उन्होंने वीडियो बनाया। ममता बनर्जी बकौल ममता बनर्जी, हम नहीं कह रहे। पहले ऐसा करिए, आप ममता बनर्जी का वो बयान खुद सुनिए जिसमें शायद वो इशारा ये कर रहे हैं कि कहीं इंडी मतलब कॉमेडी कांड, इंडी के कॉमेडी कांड के डायरेक्टर राहुल गांधी जी ही तो नहीं है। बकौल ममता बनर्जी जिस तरह वो इशारा करें, फिर हम आपको बताएंगे कि बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति के ओबीसी प्रथम ओबीसी उपराष्ट्रपति के अपमान के वीडियो को न सिर्फ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया बस, बल्कि उसे एम्पलीफाई किया, उसका प्रचार भी किया, उस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, राहुल गांधी ने क्या बोला वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी का वो सुनिए बयान। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं टूटता तो। ममता दीदी तो ऐसे कह रही है जैसे उनके सांसद की गलती नहीं है, सारी गलती राहुल गांधी जी की है। उनकी क्या गलती, वो तो वीडियो बना रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, वो अलग बात है, उन पर उनसे भी सवाल है, लेकिन गलती तो टीएमसी के सांसद की है, लेकिन अपने सांसद का बचाव किया और राहुल गांधी जी पर सारा दोष डाल दिया।
मतलब अब देखिए इशारों इशारों में राहुल गांधी को कॉमेडी कांड का डायरेक्टर बताने वाला ये बयान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दिया। टाइमिंग समझिए, टाइमिंग, ममता बनर्जी ने मोदी से मुलाकात की, ये बयान दे दिया। ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल को केंद्र से मिलने वाली फंडिंग को लेकर मुलाकात की थी। समझिएगा टाइमिंग, पॉलिटिक्स की टाइमिंग। और उसके बाद उन्होंने कल की घटना पर सवाल पूछा नहीं गया था इस बारे में, वो राहुल गांधी को घसीट लाई ममता दीदी और कहा कि राहुल गांधी वीडियो ना बनाते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब राहुल गांधी की गलती निकाल रही है ममता बनर्जी। अब सवाल यह कि अचानक ममता बनर्जी इस हंगामे के लिए, इस कॉमेडी कांड के लिए, इस लाफ्टर शो के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार क्यों बता रही है भाई? वो तो इनके सांसद है, टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी। इंडी के बाकी नेताओं की तरह ना ममता बनर्जी भी बीजेपी की धुर विरोधी है, लेकिन राहुल गांधी को एक तरह से इस कॉमेडी कांड का डायरेक्टर बताने वाला उनका बयान बीजेपी के नेताओं के आरोपों से मेल खाता है काफी हद तक। बयान सुनाऊंगा मैं आपको। आप ममता बनर्जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान एक साथ सुनिए और खुद तय करिए। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं तुलता तो। जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये ना केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं पॉलिटिक्स के, बीजेपी हमला कर रही है, ममता बनर्जी भी हमला कर रही है, वो तो इंडी का पार्ट है, वो तो सहयोगी है एक तरीके से, मोदी से लड़ना है तो फिर ममता राहुल से क्यों लड़ रही है? हालांकि बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी जी ने भी सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि जो वीडियो उन्होंने बनाया वो उनके फोन पर है, मीडिया उस वीडियो को बार बार दिखा रहा है। राहुल गांधी जी ने भी सफाई दी है, शायद ममता बनर्जी को जवाब दिया है, सुनिए। किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। ममता बनर्जी राहुल जी को जिम्मेदार बता रही है, वो वीडियो ना बनाते तो। राहुल गांधी कह रहे मेरे फोन में मेरा वीडियो मीडिया बार बार दिखाया जा रहा है। ये राहुल जी शायद ममता दीदी को जवाब दे रहे थे। अब देखिए उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने खुद अपने पांव पर ना कुल्हाड़ी मार दी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा वो भी सुनिए आप। राहुल गांधी ना इंडी अलायंस में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के संभवतः सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ठीक, कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके पार्टी के कई नेता उन्हें देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। राहुल गांधी चाहते तो वो खुद को उस मौके पर एक परिपक्व और संवेदनशील नेता की तरह वो पेश कर सकते थे, बिल्कुल, मतलब खुद आगे बढ़ते, कल्याण बनर्जी को टोकते हुए कहते कि नहीं भाई राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, ऐसे निजी हमला वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, ऐसे किसी का अपमान करना गलत है, वो कह सकते थे ऐसा, उनका कद है, राहुल गांधी बड़े नेता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि उपराष्ट्रपति की खिल्ली या नकल उतारते कल्याण बनर्जी का वीडियो बनाने लगे, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, एक तरह से किरदार भी उन्होंने निभाया। एक बार वो वीडियो फिर से देखिए जिसे शूट करके ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने एक और सेल्फ गोल कर लिया। मतलब
जैसे सबसे बड़े गुनहगार राहुल गांधी है, ममता बनर्जी तो ऐसे बोल रही है, खुद के सांसद खिल्ली उड़ा रहे, लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदार, राहुल गांधी गुनहगार, वीडियो ना बनाते तो पता नहीं होता ही नहीं। मतलब देखिए, कॉमेडी कांड पर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया ना, उसने इंडी में शामिल कई नेताओं को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आज वो एक तरह से राहुल गांधी को इस हंगामे का जिम्मेदार बता रही है। तो कल विपक्षी पार्टियों की बैठक में राहुल गांधी से शायद दीदी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के पीएम पद के दावेदार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे कर दिया। मतलब आप सोचिए, राहुल गांधी को पीएम रेस से एक तरीके से बाहर किसने किया? ममता बनर्जी ने। कल उनको पीएम रेस से बाहर किया, आज उन पर सबसे बड़ा प्रहार किया। मतलब दरअसल ममता बनर्जी ना लंबे समय से राहुल गांधी को लेकर आक्रामक रही हैं। प्रॉब्लम है शायद राहुल गांधी से ममता बनर्जी जी को। कभी वो उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती हैं, तो कभी वो राहुल गांधी को बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी बताती हैं। याद है वो बयान कि राहुल गांधी तो बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है ममता बनर्जी। कल उन्होंने राहुल गांधी को दरकिनार करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। वो सब जानते हैं, पूरा इंडिया अलायंस जानता है कि राहुल जी चेहरा होंगे। अब आप खड़गे जी का नाम आगे कर रही हैं, कांग्रेस कंफ्यूज की, एक्सेप्ट कर नहीं सकते, राहुल जी को दरकिनार हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट किया खड़गे जी का नाम तो दलित विरोधी हो जाएगा। ममता जी ने भी तो चेक एंड मेट खेला ना, तो आज वो एक तरह से राहुल गांधी को कॉमेडी कांड का डायरेक्टर बताने लगी।